लखनऊ के लिवाना होटल में लगी आग के दर्शाती कि हमारे यहाँ का प्रशासन कितना संवेदनहीन है। गौरतलब है कि 2017 में भी चारबाग के कई होटलों में आग लगी थी, जिसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। उसके बाद भी जिला प्रशासन, फायर फाइटिंग सिस्टम और जिला फायर ब्रिगेड ने आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से फिर एक बार लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया, जिसके जिम्मेदार शायद फिर बच निकले। आज सुबह 7:35 पर 112 के माध्यम से फायर सर्विस स्टेशन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि लिवाना होटल, जो कि लखनऊ में हजरतगंज थाना क्षेत्र में स्थित है, वहां पर आग लग गई है। सूचना मिलते ही तुरंत फायर टेंडर्स वहां रवाना हुए। चूँकि होटल था शहर के अंदर, तो हमारे पुलिस के अधिकारी, फायर सर्विस की टीम के अलावा पुलिस के सभी अधिकारी भी अगले आधे घंटे में लगभग वहाँ के पहुँच चुके हैं। हमारे DCP, ADCP, मैं, हमारी SDRF की टीम उसके और करीब 20 मिनट बाद पहुँच गई। होटल लिवाना जो है, ये इसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर है जिसमें कि बिल्कुल हॉल बना हुआ है, और सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर कमरे हैं। कुल मिलाकर 30 कमरे हैं। उन 30 कमरों में से 18 कमरे ऑक्यूपाई थे, यानी 60% ऑक्यूपेंसी थी। इन कमरों में जो लोग ठहरे हुए थे, पुलिस की टीमों ने पहुंचकर, पुलिस के सभी फायर सर्विस और पुलिस और SDRF NDRF ने पहुंचकर इन सभी को वहां से रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान जो 14-15 लोग रेस्क्यू किए गए, उनमें से 7 व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके अतिरिक्त 4 लोग, इन 7 के अतिरिक्त 4 ऐसे थे जिनको कि जब वहाँ ले जाया गया तो ब्रॉड डेड बताया गया। उन 4 लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरनूर सिंह, ये उम्र लगभग 28 वर्ष, श्रीमती साहिबा कौर लगभग 26 वर्ष, श्राविका संत लगभग 18 वर्ष, और बॉबी उर्फ अमान गाजी, ये विकास नगर के रहने थे, उम्र 22 वर्ष। ये 4 लोगों की मृत्यु इस घटना में हुई। ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। इस प्रकरण में होटल के जो 2 मालिक हैं, और राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल व उनका जो जनरल मैनेजर है, इन लोगों को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस दौरान उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया